बोलने तो बंदा ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का ब्लॉक पंचारी तहसील पंचारी है और जहाँ आज हम खड़े हैं लांदर एरिया में। लांदर का ये मेन हॉस्पिटल है और ये जो हम जहाँ खड़े हैं बरसात के मौसम में ये देख रहे हैं आप, ये जो रोड बनी हुई है बिल्कुल खस्ता हालत है इस रोड की। यहाँ कोई भी पेशेंट या एम्बुलेंस जो है वो मेन रोड मेन अपने हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकती है बरसात के मौसम। बरसात का मौसम छोड़ो, देखो ये जो पुल बनाया हुआ है इस पुल की हालत देखो, हम इसको देख रहे हैं बड़े अच्छे से, ये जो रोड है जो ऊपर से पुल को कनेक्ट करता है, लेकिन इसको कोई भी देखो इस पुल की कंडीशन देखो कि इधर से कहाँ इसको रास्ता इन्होंने सोर्स छोड़ा है हॉस्पिटल के जाने के लिए। कोई अप्रोचिंग रोड नहीं है, इस पुल का कोई अप्रोच नहीं है इधर तक के हॉस्पिटल तक हम पहुँच सकें। ये एक बड़ी ही दुखद बात है और बड़ी ही हैरानगी वाली बात है। अगर गवर्नमेंट का पैसा इस रोड में लगाया हुआ है लेकिन जो फैसिलिटी है मेन फैसिलिटी है जो आम लोगों को मिलनी चाहिए, इस टाइम तो वैक्सीन का दौर चल रहा है, वैक्सीन हो रही है कोरोना काल में, हमारे दो पीरियड जो पीछे कोरोना काल के निकल चुके हैं, बड़ी बुरा हाल हुआ लोगों का, बड़े मुश्किल के साथ इन कुछ कैजुअल्टी भी हुई, बड़ी मुश्किल के साथ ये लोग जो है हॉस्पिटल तक आ सकते थे, लेकिन इधर अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो जहाँ ये लोग हॉस्पिटल में जाने के लिए इनको कोई भी और सोर्स नहीं है। ये एक पुल था, इस पुल की जो कंडीशन है इधर तक इन्होंने बनाया हुआ है लेकिन आगे कोई भी अप्रोचिंग इस तरह रोड नहीं है, ना रास्ता है कि हॉस्पिटल तक हम कंडक्ट कर सकें। और इसी हिसाब से इस रोड की, ये तो लिंक रोड है, इसी हिसाब से हमारा जो मोंगरी पंचारी सप्लाई मोड़ से गलियों तक जो रोड है वो भी बिल्कुल खस्ता हालत है, उसकी हालत भी बिल्कुल ऐसी बनी हुई है कि बिल्कुल जो ब्लैक टॉपिंग हुई है वो तो जो ब्लैक टॉपिंग हुई है वो बिल्कुल उखड़ रही है। और जैसे कि देख रहे हैं हम देखो लांदर का जो जहां हम खड़े हैं पहले बात कर रहे थे, जैसे ये लोग देखो कितनी मुश्किल के साथ, कितनी मुश्किल हो रही है इनको, कितना रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कितना वैक्सीन के लिए आ रहे हैं, जो सभी वैक्सीन के लिए आए हुए लेकिन कितना रिस्क लेके ये हॉस्पिटल तक, ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि ये इस रोड को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए ताकि लोगों को इस रोड की फैसिलिटी मिल सके और इस रोड पे आना जाना जो कम से कम एम्बुलेंस जो है रोड तक इसकी कनेक्टिविटी हॉस्पिटल तक हो सके।